नमस्कार, भव्य श्री न्यूज समय नुपुर। कॉमेडियन भारती सिंह, जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाना, लोगों का दिल बहलाना, अभी लगातार द कपिल शर्मा शो में भी उनको पर्दे पे देखा जा रहा है, कभी कपिल की बुआ बनकर, कभी कपिल की भाभी बनकर के। इन दिनों इंडियाज बेस्ट डांसर को भी वे होस्ट कर रही हैं अपने पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ, और लगातार इस शो में भी लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। उनकी मासूमियत को, उनके पुराने दिनों को, जब वो पुराने दिनों की याद दिलाती हैं, अपने दुख के दिन जो वो गुजर चुका है, उनको देख करके, उनको सुन करके जो दर्शक होते हैं वो भी भाव विहल हो जाते हैं, और उनके गम को अपने गम में वो उतारते हैं और काफ़ी उन्हें सहारते हैं। यानी कि मैं बताऊँ आपको कि शनिवार को सुबह NCB ने उनके घर और उनके दफ्तर में छापा मारा, और छापा मारकर 90 ग्राम गांजा बरामद किया, और उसके बाद NCB उन्हें अपने दफ्तर बुलाई पूछताछ के लिए, और उसके बाद शाम होते होते उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब आपको हम बता दें, NDPS की धारा के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, और चूंकि वो सेवन करती हैं, गांजा सेवन करती हैं, अब गांजा चूंकि इनका नाम कहां से आया, आप लगातार देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद, या उसे आत्महत्या कहिए या फिर उसे आप हत्या कहिए, उसके बाद से ही लगातार NCB लगातार छापा मार रही हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण, कभी सारा अली खान, कभी श्रद्धा कपूर, अभी विवेक ओबराय जो हैं उनके साला के घर पे भी छापा मारा गया, विवेक ओबराय के घर पे छापा मारा गया उनके साले को ढूंढने के लिए, विभिन्न विभिन्न तरह से बहुत सारे लोग इसमें आ गई हैं, दीपिका प्रकाश हैं, तो इस तरह बहुत सारे लोगों को NCB ने पूछताछ के लिए बुलाई, और उन पे अभी कार्रवाई करना भी बाकी है लगातार कि कहां, कब, कैसे। और अभी इन दिनों एक ड्रग पैडलर ने ही अभी भारती सिंह का नाम उजागर किया, जिसके तहत उनके घर पे छापा मारा गया, और ये सच्चाई सामने नजर आ गई कि 90 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। अब हम आपको बता दें कि आज रात यानी शनिवार, कल रविवार को फिनाले भी होने वाला है, इंडियाज बेस्ट डांसर का ग्रैंड फिनाले भी होने वाले हैं शनिवार, यानी आज ही रविवार को, और आज होस्ट करने वाली यानी भारती सिंह वहां से गायब रहेंगी, क्योंकि नेचुरली है अभी NCB की संरक्षण में ही भारती सिंह रात गुजार रही हैं, और आज की तारीख में जैसे आज रविवार है, संडे है, और संडे को वो कोर्ट में अपनी गवाही पेश नहीं कर पाएंगी, और उन्हें NCB की संरक्षण में ही रात गुजारना पड़ जाएगा। बात है सोमवार को, तो सोमवार को वीडियो कॉलिंग के जरिए अपनी उपस्थिति वो दर्ज करवाएंगी, अपना जो भी उनके पास है, जो भी बातें हो वो वहाँ पे वो दर्ज करा पाएंगी, अपनी सच्चाई या जो भी उनको अपने बचाव में कहना है। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये जितने भी दर्शक हैं जो भारती सिंह को पसंद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी अदाओं पे मरते हैं, ऐसे लोग उनकी जिंदगी को खुद में उतारते हैं और खुद पसंद करते हैं, यानी कि आपको बता दें कि आपकी ओहदा यानी कि जितनी बड़ी होती चली जाएगी, आपके फॉलोअर्स जितने फैंस बढ़ते चले जाएंगे, उतना ही आपका डिमांड बढ़ता चला जाता है, और आप एक जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं, ताकि आपको सोचना भी पड़ता है कि हमारी जो छवि जो बन रही है वो इतने सारे जो देश के जनता है या विदेशों का भी ले लीजिए, वो हमारे छवि से प्रभावित होते हैं, वो हमारी अनुकरण करते हैं और हमारे उसी राह पे वो चलना कबूल करते हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे, अभी पूर्व की दिनों की बात करें, कई साल बीत गए दिव्या भारती की बात, जब दिव्या भारती की उसको भी हत्या या आत्महत्या कहा जाए, उसके बाद लगातार बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली और सोचे कि दिव्या भारती नहीं है तो हम जिक्र क्या करेंगे। यही हाल तो हुआ सुशांत सिंह राजपूत में भी, सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद कई लोग ने आत्महत्या कर ली और कहा कि जब शांति नहीं है तो फिर हम जी के क्या करेंगे। ऐसे भी फैंस होते हैं जो उनको एक खुदा मान लेते हैं, सोचते हैं कि वही वो है और उसके बिना तो शायद हम जी ही नहीं पाएंगे। तो इस अनुसार जैसे जैसे कहते हैं ना, जिस पेड़ में आम लग जाता है उस पेड़ को स्वतः झुक जाना चाहिए। यही हाल होता है किसी भी इंसानी प्रवृत्ति के विषय में, कि इंसान की प्रवृत्ति जो भी होती है, हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारा प्रभाव हमारे देश पे पड़ता है। तो ये बताने की चीज़ नहीं है कि किसी को बताया जाए, चूंकि भारती सिंह कोई बच्ची नहीं है, लेकिन आखिर उनके घर में अगर 90 ग्राम गांजा बरामद किया गया तो इसका साफ साफ मतलब है, और पता भी चला, उन्होंने स्वीकार भी किया है कि हाँ वो गांजा सेवन करती हैं, चूंकि कहाँ तक बचाव करेंगे। अभी उनका एक टेस्ट भी लेना है जो NCB टेस्ट करवाएगी कि वो
कितना कब से ले रही हैं, और अपने बचाव में वो जिनको भी जैसे भी वो वीडियो कॉलिंग के जरिए जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी कोर्ट में, ये मामला पहुंचा है, और उसके बाद वो बताएंगे कि वो कब से कर रही हैं, उनके संरक्षण में कितने सारे लोग हैं, वो क्या इसका धन व्यापार भी करती हैं, कितने लोगों को, कलाकार हो या कलाकार से हटके भी लोग हैं, क्या उनको भी वो ड्रग्स देती है या फिर गांजा देती है, ये लाइन कहाँ तक है। लेकिन कहना नहीं होगा कि ये मासूम जो भी कलाकार हैं, जितने भी कलाकारों को हम देख रहे हैं या जितने भी कलाकारों को फैंस पसंद कर रहे हैं, ये सारे फैंस बिल्कुल ही भोले भाले दिखाई पड़ते हैं पर्दे पर भी, और ऐसी भी इनकी जिंदगी को देखा जाए तो भी। लेकिन क्या ये है कि ड्रग्स है, गांजा है, इससे हमारे देश को कैसा प्रभाव पड़ रहा है, ये लोग कदापि नहीं सोचते, बिल्कुल नहीं सोच पाते, क्यों नहीं सोचते हैं। और दूसरी बात हम आपको बता देते हैं, कभी कभी गेहूं के साथ साथ जौ भी पिसा जाता है, तो अभी हर्ष लिम्बाचिया भी शायद बचने वाले नहीं है, हो सकता है कि ये गाज उन पर भी गिरे और उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी। जो भारती सिंह है वो उनकी पत्नी है, तो पति पत्नी एक ही कमरे में, एक ही फ्लैट में तो रहते हैं, दफ्तर भी उनका एक ही है, घर भी उनका एक ही है, और इसी में तो गांजा बरामद हुआ है, तो नेचुरली है कि आने वाले कल में हर्ष लिम्बाचिया को भी वो एनसीबी बुलाए अपने दफ्तर में, उनसे भी पूछताछ हो और उनकी भी स्टेरिंग हो जाए, यानी उनको भी अरेस्ट कर लिया जाए। तो पता नहीं अब आगे की कार्रवाई मंडे को पता चलेगा कि मंडे को कैसे कैसे रास्ते से ये आगे होकर के इनको गुजरना पड़ेगा, क्या एनसीबी इनको छोड़ देती है या फिर इन्हें अरेस्ट करके इन्हें कुछ दिन अपने पास ही पूछताछ के लिए रखती है, ताकि और भी जो मामला है इनसे जुड़ा हुआ उनके घर पे छापामारी की जाए और उन्हें पकड़ा जाए। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि भारती सिंह एक ऐसी कलाकार थी जो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था, एक कॉमेडियन सिर्फ कॉमेडी ही कर सकती है, लोगों को हंसा सकती है, लुभा सकती है, लेकिन सपनों में भी सोचने की चीजें नहीं थी, सपनों में भी सोचने वाली बात नहीं कहा जा सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और उनके घर में इस तरह का नशीला पदार्थ छापामारी के दौरान उपलब्ध हो सकता है, मिल सकता है, लोग अपने कब्जे में ले सकते हैं। ये साक्ष्य है, साक्ष के तौर पे उनके घर में ऐसी चीजें हुई हैं जो उनको बताना पड़ेगा सच्चाई, उनके सारे चीजें, वहां आंसू नहीं चलेगा, जो दर्शकों को वो आंसू छलका करके अपने पुरानी यादों को याद दिला दिला करके उन्हें जो गुमराह करती हैं, उन्हें जो छलती हैं या उन्हें जो खरीदती हैं, यानी प्यार से खरीदना होता है, जरूरी नहीं होता है कि किसी को पैसे से खरीदा जाए, प्यार से मोहब्बत से भी लोगों को भाव विहोल करके खरीदा जा सकता है, जो वो खरीदती रही हैं, और इसी के कारण उनके पुराने जमाने की बात याद करके, क्योंकि जब 2 साल की थी तभी उनके पिता इस दुनिया को छोड़ गए, अब पूरी जिम्मेदारी भारती सिंह पे पड़ी, और भारती सिंह एक छोटी बच्ची होकर के किस तरह अपने परिवार को संभाली हैं ये तो वही जानेंगी, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, कहते हैं ना, काम करने का तरीका, धन कमाने का तरीका बहुत रूप है, बहुत रूप और ढंग से हम स्वच्छ पैसे को कमा सकते हैं, सही रास्ते से हम कमा सकते हैं, और सही मार्ग से अगर हम कमाएंगे तो आने वाला कल भी हमारा अनुकरण करेगा और सही मार्ग से ही वो भी धन कमाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अभी लगातार जो एनसीबी छापा मार रही है और लगातार ऐसे ऐसे चेहरे सामने दिखाई पड़ रहे हैं जिसको सपनों में भी सोच पाना, कल्पना कर जाना, ये भी सर से सरक जाने की बात हो। फिलहाल आप देखिए इनके साथ क्या होता है, मंडे को इनसे पूछताछ के लिए इनको कोर्ट में पेशी होगी, यानी वीडियो कॉल के जरिए इनकी पेशी होगी, और कोरोना टेस्ट भी इनका कराया जाएगा, हर कुछ टेस्ट के बाद ये वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। अब देखना ये होगा कि ये किनका किनका नाम उगल पाती हैं, क्योंकि नेचुरली है कि जिनसे जिनके जिनसे इनका संबंध होगा उनके उनके ये संबंधों में रही और उनके लोगों के उन इनसे भी बहुत लोगों का संबंध होगा जिसमें ये बहुत सारे नाम आगे रखेंगी, और उनके घर में भी हो सकता है कि एनसीबी छापा मारे और उनके घर से भी बहुत सारी चीज़ बरामद हो। देखना है आगे क्या।